भारत, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का और बाबा रामदेव और उनके चेलों का। जब से कोरोना महामारी भारत के लोगों के भीगे सपनों में चुपके से एंट्री मारा था, भारत के युवा और कुछ नॉट सो युवा लोगों ने इसे जल्द से जल्द निकालने का प्रण ले लिया था। इन्होंने कह दिया था कि वैक्सीन कुतियों के लिए है। हम आज के मर्द हैं और इस कोरोना से हम अपने तरीके से लड़ेंगे। इस आजाद हिंद फौज के सेनापति खुद बाबा रामदेव जी थे, जिन्होंने अपनी दवाई से लाखों की जिंदगी बचाई है और अब उनके भक्त और हमारे हीरो इस लड़ाई में अपना रामबाण लेके आए हैं। जी हाँ, गोबर स्पा। इनका मानना है इनको पता है कि गोबर स्पा से आदमी, औरत और बच्चा किसी को भी कोरोना टच नहीं कर सकता। सीधा कोविड पेशेंट्स के टच में मुझे काम करना होता था, तो उतना एक मानसिक स्ट्रेस बना रहता था कि पता नहीं कब मैं संक्रमित हो जाऊंगा और कब मेरी भी हालत इन पेशेंट्स के जैसी हो जाएगी। लेकिन हर हफ्ते, हर इतवार के दिन हम लोग मैंने ये पंचगव्य दिव्य गव्य स्नान आरंभ किया है। लेकिन जब से मैंने स्नान आरंभ किया है, मेरे अंदर एक स्फूर्ति और एक आत्मविश्वास का अनोखा संचार हुआ है, जो कि मुझे किसी भी परिस्थिति का सामना करने से जरा भी संकोच नहीं रहता है। इस गोबर स्पा का प्रोसेस कुछ ऐसा है कि आपको जल्द से जल्द अपने कपड़े उतार लेने हैं और माइक्रो बिकिनी में आ जाना है और गोबर लगाकर सनबाथ लेना है। जैसे ही गोबर सूख जाए तो दूध से आपको गोबर साफ कर लेना है। उसके बाद कुछ नहीं, आप दोस्तों के साथ मजे करिए। मुझे तो आज ये सोच के हंसी आ रही है कि दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट अपना पिछवाड़ा घिस चुके जिस चीज के पीछे, उसका इलाज पीछे वाले मैदान में कल रात से फ्रेश पड़ा हुआ है। As per the literature evidence available and the various studies conducted, and there is no scientific evidence to prove the cow dung can be used as a treatment or immunity booster against the corona infection. कुछ डॉक्टर का मानना है कि ये गोबर स्पा सही नहीं है और इसे अभी के अभी रोका जाए, लेकिन उनमें वो बात कहाँ, वो असली मर्द कहाँ, वो अपने पेशाब को इनके जैसे 5-5 मीटर दूर तक कहाँ उड़ा सकते हैं। चूतिए।